हाय फ्रेंड्स, आई एम चंदन। वेलकम माय यूट्यूब चैनल एडुजेट नॉलेज पर। आज मैं बात करूंगा हमारा सर्विस लाइन का सिलेक्शन कैसे करूं। हमारा इलेक्ट्रिकल पोल से हमारा घर तक जो लाइन आता है उसका कितना एमएम का वायर मैंने लगाऊं, इसका जानकारी का कमेंट मेरे पास बहुत आता है। इसीलिए मैंने सोच लिया इसके ऊपर मैं एक वीडियो बना दूँ। तो आप सिंपल प्लस माइनस डिवाइडेड मल्टीप्लिकेशन करने के लिए आता रहेगा आपको, तो आप ये वाला मैं जो फार्मूला बोलने वाला हूँ, कैलकुलेशन बोलने वाला हूँ, आप घर बैठे कर सकते हो। आप इलेक्ट्रिकल का बंदा हो, इंजीनियरिंग का बंदा हो और नहीं हो, इलेक्ट्रिकल के बारे में जानकारी रहे और नहीं रहे, आपका इसके लिए कुछ भी जरूरत नहीं। आपका सिर्फ प्लस माइनस डिवाइडेड और मल्टीप्लिकेशन, ये चार चीज आपको आएगा तो आप एक कर सकते हो इजीली घर बैठ के, किसी को हेल्प लेने का जरूरत ही नहीं। मैं आपको इसके बारे में आपको जानकारी देने वाला हूँ। बने रहे मेरे को वीडियो के अंत तक। आप लास्ट तक देखोगे तो पूरा का पूरा डाउट आपको क्लियर हो जाएगा। घर बैठ के आप इसका कैलकुलेशन कर सकते हो, आप खुद ही बोल सकते हो मेरे घर में कितना एमएम का वायर लगेगा। तो मैं पहले बोलता हूँ कितना एमएम स्क्वायर का वायर लगेगा हमारा घर में। सर्विस लाइन लेने के लिए हमारा घर में कुछ बल्ब, लैंप लगाने के लिए, फैन लगाने के लिए कौन सा वायर हम लोग इस्तेमाल करूँ, इसका मैंने एक ही छोटा सा फॉर्मूला है, वो होता है W इज इक्वल टू V इंटू वाई। W मतलब है वाट, इज इक्वल टू V मतलब वोल्टेज मल्टीप्लिकेशन, I मतलब करंट। ये तीन चीज आपको पता चलना चाहिए। पता होना मतलब आपको इजीली पता रहेगा आप इलेक्ट्रिकल का बंदा हो और नहीं हो। वाटेज मतलब हमारा घर में हम लोग हर एक आदमी दुकान में जाके बोलते हैं हमारा 12 वाट का लैम्प दो, 9 वाट का लैम्प दो, 3 वाट का लैम्प दो। वो जो वाट बोलते हैं ना, वो 9 वाट है तो 9 वाट, 12 वाट है तो 12 वाट। तो यहाँ पर आपको मैं एक फॉर्मूला दिया है, W इज इक्वल टू V इंटू I। तो इसमें क्या होगा ना, हम लोगों को W कहाँ से मिलेगा, V कहाँ से मिलेगा, तो उसके लिए मैं बोल देता हूँ। हर एक घर में सीलिंग फैन रहता है, तो अभी का जो सीलिंग फैन है ना, ये 60-65 वाटेज का होता है ओवरऑल। मैंने इसको ज्यादा करके पकड़ा 70 वाटेज। हमारा घर में दो फैन है, मैंने पकड़ लिया एग्जांपल के हिसाब से 70 वाट का दो सीलिंग फैन है। उसके साथ साथ हमारा घर में लैंप रहता है, एसी रहता है, फ्रिज रहता है, टीवी रहता है, ये भी हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो हमारे पास 12 वाट का लैंप, LED लैंप जो है 12 वाट का, 5 लैंप हमारा घर में है। ये आप लिख लीजिए, जब 12 वाट इंटू 5। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं जो 9 वाट का भी लैंप रहता है हमारे घर में, 9 वाट का हमारे पास दो लैंप है। 3 वाट का हमारे पास जो लैंप है, 9th लैंप जिसको हम लोग बोलते हैं, जीरो लैंप बोलते हैं, वो रहता है हमारे पास 4 है। उसके साथ हमारे पास जो टीवी आ गया, तो टीवी का अभी जो स्मार्ट और एडवांस टीवी है वो 40-50 वाटेज का आसपास होता है, मैंने उसको ज्यादा करके पकड़ लिया, हमारे पास 50 वाटेज का एक टीवी है। तो और हमारे पास फ्रिज भी रहता है, फ्रिज हम लोग देखते हैं जिसे हम लोग रेफ्रिजरेशन बोलते हैं, जो वो रहता है ना क्या ना, वो लीटर के हिसाब से रहता है, 190 लीटर का, 220 लीटर का, तो उसके हिसाब से वाटेज का भी कम ज़्यादा होता है। मैंने पकड़ लिया हमारे पास 150 वाटेज का एक रेफ्रिजरेशन है, फ्रिज है। और हमारे घर में भी सबमर्सिबल पंप भी है, तो मैंने एक सबमर्सिबल पंप 3 HP का सबमर्सिबल पंप मैंने लिया है, जिसका वाटेज आता है 2.2 किलोवाट, जो रहता है 2200 वाटेज का, 2200 वाटेज। तो हम लोग जो ये जो पूरा जो वाटेज का हम लोग लिस्ट निकाला, पहला जो 70 वाट का दो फैन, 12 वाट का 5 लैंप, 9 वाट का दो, 3 वाट का 4, इसका जो हम लोग निकाला, लिख के रखा है, उसका हम लोग यहाँ पर उसका मल्टीप्लिकेशन करके लिखेंगे। जैसा हम लोग लिखेंगे 70 वाट हमारा दो फैन है मतलब 140 वाटेज, 12 वाट का 5 लैंप है तो 60 वाटेज हमारे पास, 9 वाट का दो लैंप है 18 वाटेज, ये हम लोग कैलकुलेट करके लिखेंगे। जो मैंने अभी बताया उसका टोटल आ जाता है 2638 ही हमारा वाटेज। ये आपको आपका घर में क्या क्या लगाने वाले हो वो आपको पहले ही कैलकुलेट कर लेना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको पता चलेगा। तो ये हमारा आ गया है वाटेज। हमारे पास हमारा घर में जो नॉर्मल हमारा डोमेस्टिक सप्लाई जो आता है, जो हमारा घर के लिए जो सप्लाई आता है, वो आता है 240 वोल्टेज का आता है। तो हमारे पास फॉर्मूला है क्या, W इज इक्वल टू V इंटू I, और हम लोगों को निकालना पड़ेगा I को। तो I हम लोगों को साइड में रखते हैं, W को हम लोग ये साइड में लेके आते हैं। तो I इज इक्वल टू क्या होता है ना, W बाई V, आपको भी फॉर्मूला भी दिखाई दे रहा है।
आपको डिस्प्ले में, तो आई इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई वी आता है। तो हम लोग डब्ल्यू हम लोगों को पता चल गया वाटेज जो रहता है 2638 डिवाइडेड बाई हम लोग हमारे पास वोल्टेज का कितना आता है 240 वोल्टेज। तो हम लोग इसको डिवाइडेड करेंगे तो आता है 10.99 के करीब आसपास आता है। उसको हम लोग मोरलेस पकड़ लेते हैं 11 की वाटेज 11 एम्पियर, ये जो निकल के आया ना ये है एम्पियर आता है, जो हम लोग जो आई जो निकल रहा था उसका यूनिट ये हमारा 11 एम्पियर। तो 11 एम्पियर जो आ गया उसके साथ 1.5 डेढ़ गुना करना पड़ेगा, 1.5 को मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। ये जो मल्टीप्लिकेशन करते हैं हम लोग सेफ्टी के लिए, सेफ्टी पर्पस के लिए 1.5 को हम लोग मल्टीप्लिकेशन करते हैं, इसको बोलते हैं सेफ्टी फैक्टर। तो हम लोग मल्टीप्लिकेशन जब करेंगे ना तो 16 point something आ जाएगा, 16.17 एम्पियर के आसपास आ जाता है। तो हम लोग हमारे पास 17 एम्पियर, मैंने एक एग्जाम्पल के लिए ले लेता हूँ, हमारे पास 17 एम्पियर का लोड है, हमारा घर में कितना एम्पियर का लोड है ना 17 एम्पियर का लोड है। ये 17 एम्पियर हमारा जो इलेक्ट्रिकल का जो वायर साइज आता है उसमें कौन सा साइज में ये कैटेगरी में आता है उसका भी मैंने कैटेगरी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दिया है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो इजीली। वहाँ पर आप देख सकते हो जो आपका घर में जो कितना वाटेज निकला उससे आप करंट निकाल लिए, करंट निकालने से आपको बस कौन सा करंट है उसके हिसाब से कौन सा वायर का है आपके घर में लगा गया है, तो आप बाद में भी चेक कर सकते हो जो मेरा घर में बराबर लगाया गया वायर कुछ प्रॉब्लम नहीं है, तो ये भी आप चेक कर सकते हो क्रॉस चेक। 1.5 एम्पियर का वायर को हम लोग वहाँ पर देखेंगे तो 12 से 13 एम्पियर 14 एम्पियर के आसपास वो ले रहा है। तो हम लोगों को किसी भी टाइम कम में नहीं जाना चाहिए, पर उससे ज़्यादा से जाएंगे। हम लोग 1.5 में कितना ले रहा है 13 से 14 एम्पियर करंट ले रहा है, तो उसमें हम लोग जाएंगे ही नहीं क्योंकि हमारे पास 17 एम्पियर का लोड कैपेसिटी है। तो हम लोग 14 में जाएंगे तो हमारा वायर के ऊपर लोड आएगा और वायर जल जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे ना उससे ज़्यादा वाला वायर में जाएंगे, हमारा पास 1.5 के बाद डायरेक्ट आता है 2.5 आता है, तो हम लोग 2.5 में जाएंगे, हम लोग 2.5 का वायर को सिलेक्शन करेंगे। आप ऐसा वाला वायर सिलेक्शन करना है किसी भी आपके घर में हो, किसी भी आपका सर्विस लाइन हो, आपका घर में स्विच बोर्ड से लैंप तक हर एक चीज में आप यही फॉर्मूला और ए वाला जो मैंने प्रोसेस बताया है इसी प्रोसेस के ऊपर ही ये आपको कैलकुलेशन करना है। उसके ऊपर एम्पियर जो निकलेगा आपका जो मैंने वायर साइज वायर का जो चार्ट दे रहा हूँ वायर का जो लिस्ट दे रहा हूँ उसके साथ मैच करके आप देखना है कि कौन सा एमएम का वायर में ये मेरा एम्पियर रेटिंग आ रहा है। आपका 5 एम्पियर का हो तो 5 एम्पियर कौन सा एमएम का वायर में आ रहा है, हमारे पास 10 एम्पियर है तो 10 एम्पियर कौन सा एमएम का एमएम स्क्वायर में आ रहा है वो देखना है आपका। वे पहले ये आपको जो फॉर्मूला बताया जो लिस्ट बताया जो कैलकुलेशन बताया ये करने के बाद ये आपको समझ में आ गया रहेगा ना, आप किसी भी जगह में किसी भी लोगों के पास जाने का जरूरत नहीं पड़ेगा, आप ऐसा चुटकी बजाएंगे और आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो चुका है। तो ये वाला जानकारी आप कैसा लगा मेरे को कमेंट में बताइए, और ये वाला वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए वाला वीडियो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। मैं यहाँ पर वीडियो ख़त्म करता हूँ, थैंक्स फॉर वॉचिंग।